मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के निर्देश पर देर रात प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों के अंदर बहुजन समाज पार्टी फटाफट अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। राजस्थान के अंदर अभी तक 5 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 9 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भी अब आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से 7 लोगों की प्रत्याशी सूची जारी की है। बड़ी जानकारी अब आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी के निर्देश पर जो प्रत्याशी सूची जारी की गई है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से दिमनी सामान्य सीट से जो मुरैना जिले के अंदर आती है वहां से बलवीर सिंह दडोडिया को टिकट देकर मैदान में उतारा है। निवाड़ी सीट जो सामान्य सीट है वहां से अवधेश प्रताप सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। सामान्य सीट है राजनगर, वहां से राम राजा पाठक को मैदान में उतारा है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट देवराज अहिरवार को मैदान में उतारा है। रेगांव ये सीट मानी जाती है। रामपुर बागेलान की जो सीट है वहां पर सामान्य सीट से मणिराज पटेल को मैदान में उतारा है। इसके अलावा सामान्य सीट सिरमौर से विष्णुदेव पांडे को मैदान में उतारा है और पंकज सिंह को सेमरिया सीट सामान्य रीवा जिले के अंतर्गत आती है उसे प्रत्याशी घोषित किया है। 2 दिन पहले ही आकाश आनंद मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, भोपाल के अंदर रामजी गौतम सांसद और आकाश आनंद दोनों मिलकर आपको बता दें कि एक बड़ा रोड शो उनकी तरफ से किया गया था, प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद एक तरीके से यहां पर साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी सूची है वो जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रत्याशी सूची जारी की गई है। अगर आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो इस सूची के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है। उन्हें कमेंट पर जरूर सवाल शुरू करें।